बाहर गेंद दी और उसे हल्के हाथों से खेल के तो भी आई हुई है, कृपया चौकसी दे दे। फिर से उछाल लेती है गेंद, काफी बेहतरीन गेंदबाजी। अच्छी गेंद थी, राजा बाबू शंकर के। और अच्छी गेंद पर खूबसूरत था ये पहला छक्का। और अच्छी गेंद और खूबसूरत अंदाज में, सुरक्षात्मक अंदाज में खेला बिना किसी दल को। तो मैं बता रहा था कि आज के एसडीएम फील्ड से लेग स्टिक से बाहर गेंद और उसे घुमा दिया है चार रनों पर। हमारे बीच अभी मंच आसीन है और इसी बीच बेहतरीन है चार रनों के लिए। और यहाँ पर चांस हो सकता है और यहाँ पर लगाया अच्छा रहा, यहाँ पर कैच मिस कर। अच्छी गेंद थी, पंच के लिए से खेलना चाहते थे लेकिन वहां जयसिंह के द्वारा अच्छी फील्डिंग। फिर से अच्छी गेंद और यहां पर खूबसूरत बैट और ये छह रन। और फिर से अच्छी गेंद सीधे बल्ले को चलाई, ये मौके मिल चुके हैं। फुल टॉस गेंद फिर से मारने का अंपायर से राइट मांग रहे थे लेकिन अच्छी गेंद और ये वाइड का इशारा। तो पहली अतिरिक्त ये बेहतरीन गेंद थी, अंपायर से सवाल पूछा लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं। काफी अच्छी गेंद 40 रन चौथा ओवर का खेल प्रतिभा। इसी बीच किसान से धक्के यहाँ पर एक अतिरिक्त रन का जाता है उसी रन के साथ मुजफ्फर से रुपेश सिंह सामने शंकर कैच।
नहीं बोल पता। करने की जरूरत नहीं, केवल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें, जहां तक प्रयास न करें। और देखिए स्टंप टू स्टंप है, एकदम स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें और इसी की अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद और उतना ही खूबसूरत अंदाज में से तो भी और अनिकेता फिर से और इस बार खेला है बीस मिनट के क्षेत्र में फोर मिलियन से बाहर चल रहे मुकाबला ये हो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में अच्छी गेंद थी और सुरक्षात्मक अंदाज में खेला बिना किसी रन के। यहाँ पर शिवम मंडल काफी और उपस्थित से काफी बाहर गेंद थी और बल्लेबाजों ने मिल सकता अगली गेंद इस बार उपस्थित से काफी बाहर की गेंद और काफी आगे आकर के इस गेंद को आई अपने दौर के और एक अच्छे अंपायर के तौर पर जाने जाते हैं। और फिर से ये अच्छी गेंद थी और इसे और ये पूरी तरह गेंद थी और ये स्ट्राइक ले ये चार रन अपना सकती है पेंटर इलेवन की टीम। और फिर ये काफी बाहर निश्चित रूप से वाइट करा दिया जाएगा। जी हाँ वाइट पलवा दूसरी टीम का हावी दिख रहा है और अगली गेंद और फिर से काफी वाइट रखने का प्रयास कर रहे हैं गेंद को काफी उनका प्रोत्साहन कर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच अच्छी गेंद थी बॉलिंग में परिवर्तन सुमित मिश्रा बॉलिंग मंच पर और हमारे बीच राजीव धन्यवाद काफी बेहतर निकाला चलता है इस बार अच्छी बॉल हम क्या तस्वीर भेजा फैलने के दिशा में बॉल गई सीमा के बाहर चार मिनट अच्छी बॉल हर क्या फिर खेल कर एक रन लेकर छह बदलाव स्टैक होंगे। सन्नी यादव टीम का योग रखता है सुमित दिशा इस बार दिशा से बचकर सुमित दिशा जिस कारण से वाइट का इशारा धन्यवाद मिथुन जी निश्चित तौर पर काफी अच्छी मुकाबला चलता हुआ इस समय बल्ला और बॉल का बराबरी चलता हुआ ट्रॉफी के साथ विनर 11,000 जो कैश अवार्ड दिया जाएगा उस पर कब्जा कर इसी बीच सुमित खेला जरूर यहाँ काफी चुस्त क्षेत्र अच्छा शिवम मंडल के द्वारा वे खेल रहे थे अंशु उत्साह के बाद इस प्रकार से तीसरा विकेट का पता नहीं इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला
सात और शादी के बाद 71 रन 3 के नुकसान के बाद स्टेट सनी यादव बॉल अब नीरज मंडल कप्तान के हाथों में। जबकि पहले का हाथ में ऑर्डर है ये अच्छी गेंद थी और यहाँ कप्तान को कप्तान गेंदबाजी कर रहा है सामने कैप्टन। अच्छी गेंद थी पहले तो इन तीनों गेंदबाजों ने उनके मंसूबे पर पानी जरूर फिरा। जी हाँ युवा जोश से लबरेज भीमनगर के बल्लेबाज राम अलग और ये मुकाबला भी काफी अलग फाइनल। सुमित मिश्रा क्या गेंदबाजी है, क्या खूबसूरत गेंद है, बल्लेबाज बिल्कुल बैठ गई है, एक बेहतरीन बल्लेबाज। लेकिन काफी दबाव की गेंद अंपायर बनेगा वो बता दो अभी करते हैं और क्या गेंद था और इसको हल्के हाथों से कौन नहीं आ सकता है। यहाँ पर सुमित मिश्रा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड का टिकट और यहाँ पर अच्छा करने यह पहला गेंद रन और फिर से अच्छी गेंद और यहाँ पर मैं कहूंगा कि सारे सारे में करके एक रन चुराना कहा जा सकता है। चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों तो जाने जाते हैं और ये काफी बाहर गेंद तो नए ओवरों की समाप्ति पर 76 रन 73 रन की टीम ने बनाया है 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी और इसी बीच हमारे फुल टॉस गेंद थी और यहाँ पर मिड विकेट के लिए मैं खेल करके 1 रन प्राप्त किया। काफी फुल टॉस गेंद थी और मैं बता दूं कि हमारे बीच अब देश के और काफी अच्छी गेंद थी यह कमाने का प्रयास किया था और एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर आप अभेश और अच्छी गेंद बेहतरीन प्रयास कैप्टन के द्वारा बेहतरीन तारीफ यही और मैं बता दूं कि हमारे बीच दिलचस्प एक बेहतरीन मुकाबला चलता है। काफी
निबंधन ये काफी महंगा साबित हो सकता है अनिकेत के द्वारा। ये क्या और अच्छी गेंद और ज्यादा चाहते हैं आप उसी गेंद करते एक रन से नहीं रोक पाएंगे। सीधा बल्ला से खेला गया शॉट और किसी बीच सूचना मिली है 10 मिनट से 15 मिनट के बीच किसी बीच संतोष सामने वाले बहुत चिंता कर रहे हैं जो कि चिंता रहने के काम कर रहे हैं क्या से खेला जरूर चाहिए तो और संदेश और हमारे स्कोरर सिहन सिंह भदौरिया और आकाश सिंह इस बीच काफी काफी खुश हुआ क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी। एक आध ओवर बाउंड्री इसमें आ गया तो फिर और फिर से यहाँ पर अच्छी बात प्रयास हाना करने के प्रयास में यहाँ थोड़ी सी करते हुए और अच्छी गेंद थी और यहाँ पर जय सिंह के द्वारा फील्ड किया गया अच्छा प्रयास निश्चित रूप से यहाँ पर दो रन बचाए एक ही रन राउंड का विकेट और इस पर अंपायर के बगल से खेलना चाहते थे बिना किसी दृष्टिकोण से भी देखी जाए तो कल काफी ताला तोड़ बल्लेबाजी करी थी और 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 310 रन का पार जैसा लक्ष्य खड़ा किया था लेकिन आज या फाइनल मुकाबला में और अगर दोनों एक बार रन पर विकेट लेते तो 6 रन का रन दिया जाएगा सिरंज सिंह भदौरिया के तरफ से और उसी बीच जबरदस्त डीप मिड विकेट बॉल के सर से 6 रन। यही मैं कह रहा था राजीव जी कि ये बल्लेबाज फिर महत्वपूर्ण कैच अगर नहीं छोड़ता तो हो सकता था नजारा कुछ और होता लेकिन काफी अच्छी वापसी करी है खास करके बल्लेबाज के द्वारा और इसी बीच जी हाँ अब देश और संसद सदस्य श्री किरण कुशवाहा सचिन मेहता जी और श्रीमती रितु सिंह जी जो कि हमारे सम्मानित मुखिया श्री स्वर्गीय सुधीर कुमार सिंह जी के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ये चलता है रंजीत जी के पास और जी हाँ मुझे लग रहा है कि शायद हमारी जो है मुख्य अतिथि देश के लिए ले ले हाथ में ले हां ये अच्छी गेंद थी और इसे ट्राई करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं तो आया से धन्यवाद जो भाई आई अब तक की उठ उठ तू आ चल जो हक तो लग रहा तू तो बात से जी आदमी छी के लिए घन चक्कर छी आदमी छी के घन चक्कर है ना अब तक के तो ना क्या छी तो मैं बता रहा था श्री पंकज कुमार मिश्र मैं बता रहा हूँ परिषद सदस्य सीधे बल्ले से कोई मौका नहीं सभी मतदाता अपना आरक्षण पूरा करते हैं यहाँ से तो 100 रुपए का नगद इनाम के हकदार होंगे शंकर भैया मुझे प्लीज खान किताब से इनाम मिलेंगे उनको दिलचस्प और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ और अच्छी गेंद खेलता है गेंदी इस प्रकार का खेल चलता हुआ नीरज मंडल और ये अच्छी गेंद थी नीची लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और देश काफी रन के लिए और अच्छी गेंद थी नीरज मंडल की खासियत ईदान एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं और नीरज मंडल
3 बेहतरीन गेंदबाज कितने कवर कर ले और ये रन करार दिया गया लेकिन हेडस्टिक से काफी बड़ी गेंद थी और अंपायर जो कि मिस्टर शेख का विकेट किंग मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल होता है गया और यहां पर बेहतरीन है जी हां क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम सभी जानते हैं और फिर से बनाया है लेकिन ये क्या है चार रन अच्छे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं काफी अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं निकेत का सामना कर रहे हैं और स्वीप करना चाहते थे रिले में अपील एलबी डब्ल्यू का लेकिन अंपायर ने नकार दिया तो यह बात समाप्त हो चुके हैं सत्र है हमारे कप्तान नीरज भंडार काफी अच्छी गेंद थी हल्के हाथों से सीधे खेला रन की कोई संभावना नहीं रहना भी दर्शक तमाम इस मैदान पर आए हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला किसी भी जोड़ का हिट लगाने का प्रयास लेकिन बैट के सही ढंग से खेले गेंद आई नहीं रन अभी भी 145 फिर से यहाँ नीरज भंडार कप्तान गेंदबाजी करने के लिए और इसी बीच वहाँ पैसा है कल के लिए दोनों का बॉलिंग करने का सामने बल्लेबाज बिल्कुल लंचाया था लेकिन अभी चकमा खाए निश्चित तौर से बल्लेबाज काफी नपीतुली गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंद और यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और यहाँ पर आज करते हैं यहाँ पर एक रन ही ले प्राप्त कर पाएंगे एक रन से बल्लेबाजों में छोड़ बदला तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन 8 गेंद में 23 रन और इस बार ये अनिकेत लेकिन निश्चित रूप से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसे एक रन के साथ बिना बल्लेबाजों में छोड़ बदले और इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 के आसपास और बाहर यहाँ पर ये अगर गेंद छोड़ देते तो वह निश्चित रूप से होता लेकिन ये 19 ओवर समाप्त हो गए और 19 ओवर की समाप्ति पर 174 रन इतनी महिलाएं आकर के इस आयोजन में खेल की मौजूदगी है देखती हैं लेकिन पीछे खिलाड़ी एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और अब बल्लेबाजी छोड़ कर आपका ये लगता है काफी आगे हो गए थे इसीलिए यहाँ बंगाल में अंपायर नशीब
गेलो लगा छक्का इसको फाड़ दीजिए ये
Thank you.
बढ़िया खेले बहुत बढ़िया आपके।
तो कुछ बहुत अहमियत भी करता है कहाँ का गाँव यूपी का कोई बात कमांडर है तभी नगर का क्लासिक बल्लेबाजी करने में नहीं बल्लाम क्लासिक है बल्लेबाजी कल उन्हीं की पूजा शादी है उनका दोनों बॉल चेंज करो वो भी दिन देख के लगाते हैं दिन देख के लगाते हैं कौन मार सकता है ना बॉलिंग है भाई बॉलिंग टकना स्लोर हो सकता सपोर्ट हम सपोर्ट में नो अरे साला छह रन था कोटागा सीधा बल्ला बल बल्ला तो चलता दे रे कुत्ता भगा यहाँ से हमको कुत्ता उसको भगा ही सकते है
आराम से मैच खत्म काम ले होते क्या करो सर डेड बॉल अनिकेत भैया सचिन।
नीरज मंडल भीमनगर शास्त्री टीम के कैप्टन बेहतरीन क्या। और ये सम्मान इनको सम्मानित करने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती गीता देवी जी को। कृपया आप इस
खिलाड़ी को सम्मानित करें। नीरज मंडल भीमनगर युवा शास्त्री क्लब के कैप्टन, जिन्हें बेस्ट कैच के लिए चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद पेंटर। और इस सम्मान को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रितु सिंह जी को कि कृपया आप अमित पेंटर को सम्मानित करें। और दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि अमित के लिए एक जोरदार ताली प्लीज। और मैं आग्रह करूंगा श्री मंटू खेरवार जी से कि कृपया आप इस सम्मान को से इस खिलाड़ी को सम्मानित करें। अंशु सिंह जी बेस्ट सिक्सेस या सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी। नीरज मंडल एक घोषणा दर्शकों से मेरा आग्रह होगा प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और इस टूर्नामेंट के जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर चुने गए हैं, मैं उस खिलाड़ी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बेस्ट बैट्समैन पूरे टूर्नामेंट के लिए जो चुने गए हैं, उस खिलाड़ी का नाम है मिस्टर सुमित मिश्रा। एक जोरदार ताली सुमित मिश्रा। मैं जिला परिषद सदस्य श्रीमती अर्चना देवी जी से आग्रह करूंगा कि सुमित मिश्रा को कृपया आप सम्मानित करें। एक जोरदार ताली सुमित के लिए। उभरते हुए खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल से काफी मनोरंजन किया। और अब मैं चुने गए हैं मिस्टर अनिकेत राज। जोरदार ताली। और अब चूंकि समय बहुत कम, गांगुली एक जोरदार ताली। मैन ऑफ द मैच गांगुली, जिन्होंने बॉल से और बल्ले से दोनों से बेहतरीन कार्य अपने टीम के लिए किया। फ्यूचर दिखता है इनमें, एक उभरते हुए सितारे। कांग्रेचुलेशन, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्लीज सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का, और इसको देने के लिए मैं आमंत्रित करना कि मैं आग्रह करूंगा श्रीमती रितु सिंह जी से कि कृपया आगे जो सम्मान देना है आप सम्मानित करें। और ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, और उनका नाम है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अंशु का। एक जोरदार ताली मैन ऑफ द टूर्नामेंट अंशु। और इन्हें सम्मानित कर रही हैं श्रीमती रितु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशु आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, अच्छा खेलें। एक जोरदार ताली। और आप विनर टीम के कैप्टन मिस्टर अमित पेंटर से मेरा आग्रह होगा कि इनाम राशि जो है 11,000 रुपए का, और उस राशि को देने के लिए मैं मंच पर फिर से एक बार आमंत्रित करूंगा श्रीमती रितु सिंह जी को कि कृपया आप 11,000 रुपए की इनाम राशि देकर के अमित पेंटर जी का सम्मान करें। जोरदार ताली अमित जी के लिए।